हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीएस रिव्यूज में। आज हम लोग रिव्यू करेंगे नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज एलिट के फोर्थ सीजन को, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एलिट का फोर्थ सीजन आज ही नेटफ्लिक्स पे रिलीज हुआ है। इस सीजन में टोटल 8 एपिसोड हैं और हर एपिसोड करीब 50 से 60 मिनट के बीच का है। अगर हम इसकी कहानी की बात करें तो ये कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पे थर्ड सीजन एंड हुआ था। बस इस सीजन में इनके स्कूल के प्रिंसिपल नए हैं और साथ ही साथ 3 नए बच्चे भी आए हैं, और इन सबके आने के कारण इन सबके बीच के रिलेशनशिप किस तरह के बन जाते हैं और इस सीजन में इनके स्कूल में क्या होता है, ये सब जानने के लिए आपको ये सीजन देखना पड़ेगा। अगर हम इसके स्क्रीन प्ले की बात करें तो इस सीजन का स्क्रीन प्ले अच्छा है। पिछले सीजन जितना अच्छा तो नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छा है, क्योंकि जिस तरह से इस सीजन में मिस्ट्री को बिल्डअप किया जाता है वो काफी अच्छी है, और जिस तरह से इन नए कैरेक्टर्स के आने के बाद इन सबके बीच के डायनामिक्स बन गए हैं वो काफी ज्यादा अच्छे हैं। हमारा इस सीजन में इंटरेस्ट बना के रखते हैं, और ये जो नए कैरेक्टर्स हैं वो हमें इस सीरीज में और भी ज्यादा इन्वेस्ट करके रखते हैं, क्योंकि ये कैरेक्टर्स अपना एक अलग फ्लेवर लेके आते हैं। और ये चीज इसलिए भी ज्यादा अच्छी लगती है क्योंकि इस सीजन को भी उसी पैटर्न पे बनाया गया है जिस पर पिछले सीजन को बनाया गया था, जिसके कारण ये सीजन थोड़ा प्रेडिक्टेबल बन जाता है। और जिस तरह से इस सीजन में ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं उन्हें भी हम काफी आसानी से गैस कर पाते हैं। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि इस सीजन में नए कैरेक्टर्स अपना एक अलग फ्लेवर लेके आते हैं, और इनके कारण ये ट्विस्ट थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग बन जाते हैं, और हम जानना चाहते हैं कि अब आगे क्या होगा और कैसे होगा। और सबसे अच्छी चीज जो मुझे इस सीजन की लगी वो थे कैरेक्टर्स के बीच के डायनामिक्स, क्योंकि जिस तेजी के साथ इन सबके बीच के रिलेशनशिप बदलते हैं वो देखने में मुझे काफी ज्यादा मजा आया, और यही सीजन की असली जान भी है। क्योंकि अगर आप एलिट सीरीज के फैन हो तो बाकी चीजें आप पर उस तरह का इम्पैक्ट नहीं छोड़ पाएंगी जिस तरह का इम्पैक्ट इन चीजों ने पिछले सीजन में छोड़ा था। और जहां तक बात है कैरेक्टर डेवलपमेंट की, तो वो काफी अच्छा है। हमें सभी पुराने कैरेक्टर्स में एक अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलती है, और जो नए कैरेक्टर्स हैं उन्हें भी इतने अच्छे से तो लिखा और डेवलप किया ही गया है कि हमारा उनके साथ भी एक अच्छा खासा कनेक्शन बन जाता है। और अगर हम एक्टिंग की बात करें तो सभी एक्टर्स का काम काफी ज्यादा अच्छा है, चाहे पुराने कैरेक्टर्स की बात करो या फिर नए कैरेक्टर्स की, सभी का काम काफी अच्छा है। लेकिन जिन्होंने नए प्रिंसिपल के कैरेक्टर को प्ले कराया उनका काम इस सीरीज में अलग से निखर के आता है, जो कि काफी अच्छी बात है। और अगर हम डायरेक्शन और एडिटिंग की बात करें तो डायरेक्शन तो इस सीजन का अच्छा है, लेकिन थोड़ा और बेहतर हो सकता था, और एडिटिंग भी बस ठीक ठाक ही है। और जहां तक बात है प्रोडक्शन क्वालिटी की, तो वो हमेशा की तरह काफी ज्यादा अच्छी है। तो ओवरऑल मैं यही बोलना चाहूंगा कि ये सीजन पिछले सीजन का एक अच्छा फॉलोअप है, लेकिन पिछले सीजन जितना अच्छा नहीं है। लेकिन अगर आप एलिट सीरीज के फैन हो तो आपको ये सीजन काफी ज्यादा पसंद आएगा। और अगर आपने ये सीजन देख लिया तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको ये सीजन कैसा लगा, और अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन या शिकायत करनी हो तो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।